लोकस ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइंस, एक लाइन है यहां पे वन प्लस पी इंटू एक्स माइनस पी वाई प्लस पी इंटू वन प्लस पी इज इक्वल टू जीरो। फिर उसके बाद दूसरी लाइन है वन प्लस क्यू इंटू एक्स माइनस क्यू वाई प्लस क्यू इंटू वन प्लस क्यू, एंड ये लाइन है यहाँ पे वाई इज इक्वल टू जीरो। ये हो के गया है इसमें क्वेश्चन एक्सरसाइज टू में ही। अब इसके ऑर्थो सेंटर का हमें लोकस चाहिए था, तो ऑर्थो सेंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है अल्टीट्यूड्स का, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे ये एच कॉमा के, ठीक, ये मान लो ए है, ये बी है और ये सी है, तो यहाँ पे बी एंड सी के कोऑर्डिनेट्स तो इजीली मिल जाएंगे हमें। ये वाई इज इक्वल टू जीरो है तो ये जीरो, तो एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा यहाँ पे माइनस पी, एंड यहाँ पे आ जाएगा माइनस क्यू, ठीक है। अब इस अल्टीट्यूड का इक्वेशन हम लिख सकते हैं, ये जो अल्टीट्यूड है सी से इसके ऊपर उसका इक्वेशन हम लिख सकते हैं। ए बी का स्लोप हमें पता है, स्लोप ऑफ ए बी कितना है वन प्लस पी अपॉन पी, तो ये मान लो यहाँ पे सी एफ है, तो यहाँ पे स्लोप ऑफ सी एफ जो है वो आ जाएगा माइनस पी अपॉन वन प्लस पी, एंड वो किससे पास कर रहा है माइनस क्यू कॉमा जीरो से पास कर रहा है। तो इस अल्टीट्यूड का इक्वेशन सेम, इस अल्टीट्यूड का इक्वेशन निकाल लो, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद जो एक्स एंड वाई आएगा, तो एक्स मतलब एच रहेगा, वाई मतलब के रहेगा, एंड वहां से पी एन क्यू को एलिमिनेट करने की कोशिश करो तो लोकस आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है सर। फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, डाउट है। सेवेंथ, ठीक यस है। सर। यहाँ पे क्या है, पॉइंट पी इन द प्लेन लेट डी वन एंड डी टू बी द डिस्टेंसेस ऑफ पॉइंट, ये दोनों लाइंस पहले ड्रॉ करके रख लेते हैं। चलो ये वाई इज इक्वल टू एक्स और ये वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है, ये तो लाइन है डी वन। पी पॉइंट का डिस्टेंस किससे है, y इज इक्वल टू एक्स है, एंड डी टू किससे है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स है। तो हम वो p पॉइंट है वो मान लेते हैं h कॉमा k है। p पॉइंट हमने h कॉमा k ले लिया, या अल्फा कॉमा बीटा ले लो जो तुम्हें लेना है। तो y कॉमा x, y इज इक्वल टू x है उसका डिस्टेंस, मतलब ये एक तरीके से डी वन पी, वो आ जाएगा मॉड एच माइनस के अपॉन रूट टू, एंड डी टू पी ये आ जाएगा मॉड एच प्लस के अपॉन रूट टू, ठीक है, ये आ जाएगा। अब उसके बाद इसको इनइक्वालिटी में पुट कर देते हैं, एच प्लस के अपॉन रूट टू प्लस एच माइनस के अपॉन रूट टू, ये किसके बीच में वैरी कर रहा है, ये लाई कर रहा है कहा गया टू एंड फोर के बीच में, ठीक है। अब ये बताओ, ये मॉड ओपन करना है हमें, मॉड के अंदर की जब क्वांटिटी पॉजिटिव तो मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, अगर मॉड के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव तो वो निगेटिव के साथ ओपन होगा, ठीक है। एंड ये पी लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये एच एन के दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव है। वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? नहीं सर। ना, तो ये एच एन के फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो एच एन के दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये ओपन होगा पॉजिटिव के साथ ही, इसके अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव थी। लेकिन अब कहानी आती है इसके ऊपर, जब एच के से बड़ा होगा, तो एच के से बड़ा मींस एक्स कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट से बड़ा होना चाहिए। इस p पॉइंट का
x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट से बड़ा होना चाहिए, तो वो कौन से रीजन में होता है? वो इसमें होता है या ऊपर वाले में होता है, बताओ? नीचे वाले में या ऊपर वाले में? नीचे वाले में। नीचे वाले में है ना। इसमें केसेस बन रहे हैं, कौन से? केस वन, व्हेन h इज ग्रेटर देन k, तो वो नीचे वाले रीजन में होता है। y इज इक्वल टू x के नीचे जो लाइन नीचे जो पोर्शन आता है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसमें x k से x y से बड़ा होता है। इसका मतलब h कोऑर्डिनेट यहाँ पे इससे बड़ा होगा, ये h k से बड़ा होगा, तो मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। ध्यान रखना रीजन ये है, तो यहाँ पे मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, तो एच प्लस के अपॉन रूट टू प्लस एच माइनस के अपॉन रूट टू ग्रेटर देन और इक्वल टू टू लेस देन और इक्वल टू फोर, तो यहाँ से k बाय रूट टू गया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से h आ जाएगा रूट टू 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 रूट टू, तो h रूट टू 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 रूट टू के बीच में आ रहा है, तो h इज इक्वल टू रूट टू वाली लाइन ये, एंड h इज इक्वल टू टू रूट टू वाली लाइन ये, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हमें मिल रहा है। अब उसके बाद केस टू इसी में कर देता हूं। केस टू में हो जाएगा when k is greater than h, k greater than h कौन से रीजन में होगा? ऊपर वाले में। ऊपर वाले में y कोऑर्डिनेट बड़ा होता है, तो उस केस में ये मॉड निगेटिव के साथ ओपन होगा, तो उसमें h by root 2 कैंसल आउट होगा और हमें मिलेगा k greater than or equal to root 2 less than or equal to 2 root 2, तो k is equal to root 2 एंड k इज इक्वल टू टू रूट टू वाली लाइन, तो ये रीजन आता है। तो यहाँ पे भी ये रूट टू ये टू रूट टू, तो इसका एरिया निकाल सकते हैं हम। तो ये एक स्क्वायर बन रहा है बड़ा, ये बड़ा स्क्वायर, उसमें से ये छोटा स्क्वायर माइनस कर दो, ठीक है, क्लियर है? आ रही ना आवाज सर? बीच बीच में ब्रेक हो रही। अभी भी आ रही है? अभी ठीक। हाँ, तो ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया क्या? ये बताओ, ठीक है, पार्ट टू, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ थर्ड, ठीक है, थर्ड देख लो, पार्ट टू थर्ड। x प्लस वाई इज इक्वल टू मॉड ए एंड ए एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन इंटरसेक्ट ईच अदर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए इन द इंटरवल। एक दूसरे को फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट होने के लिए ये जो है ना, ये तो पॉजिटिव आ रहा है वैसे, ये जो लाइन है, ये लाइन इस तरीके से होनी चाहिए, उसमें ए पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि देख लो अगर ए निगेटिव होगा, ए अगर निगेटिव होगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये लाइन इस तरीके से आएगी इधर, देख लेना करके, क्योंकि इसका एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा वन बाय ए, एंड ए अगर निगेटिव रहता है तो वो वाला पॉइंट है, एंड वाई इंटरसेप्ट तो निगेटिव है ही, वो ए के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो अगर हमने ए को निगेटिव ले लिया तो लाइन ऐसी आएगी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो लाई नहीं कर पाएगी, तो इसकी वजह से ए का पॉजिटिव होना मस्ट है। तो अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी तो ए पॉजिटिव तो हमें पता चल गया, तो ये वाला मॉड ओपन होगा पॉजिटिव के साथ, क्लियर है ना? ए पॉजिटिव क्यों होगा? उसके बाद अब ये लाइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए, और ये लाइन आ जाएगी इस तरीके से, ये कोऑर्डिनेट ए कॉमा जीरो, और ये आ जाएगा यहाँ पे जीरो कॉमा ए, फिर ये बोला गया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, पॉइंट कौन सा आ जाएगा, इनको जब हम साइमल्टेनियसली सॉल्व ऐड करेंगे तो ये एक्स कोऑर्डिनेट वन आ जाता है, एक्स कोऑर्डिनेट वन, तो ये ए माइनस वन,
और इसमें बोला क्या गया है हमें, then set of all possible values of a. अब इसको first quadrant में lie करना है, तो इसका मतलब ये a minus one कैसा होना चाहिए, greater than zero होना चाहिए, है ना? तो यहाँ से a greater than one, ठीक है? हाँ सर। पर वो equal नहीं हो सकता ना one के? हाँ, a अगर one के equal हो गया तो first quadrant वो on the axis हो जाएगा, लेकिन on the axis हो जाएगा। तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज बोला गया है ना, तो हमारे आंसर का ये ढूंढना है वहां पे, क्या कहते हैं, सुपर सेट। हाँ। वैसे यार तब तो फिर माइनस वन टू इन्फिनिटी भी सही होना चाहिए, इंटरसेक्ट ईच अदर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए इन द इंटरवल। हाँ, वो नॉट इक्वल टू वन कर लेना, ठीक है? फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, 17, 18, 19, हाँ, कौन सा? 18, ठीक है, 18 देख लो, नहीं, क्या पूछ रहे तुम ये? जरा ढंग का सवाल तो पूछ ले। सॉल्विंग हो रहा है, हो जाता है, ये P हो गया, O ओरिजिन है, ये A 0,1 है, तो इसमें ओ ए डिस्टेंस 1 हो गया, फिर उसके बाद OP डिस्टेंस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड फिर उसके बाद AP डिस्टेंस ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर, तो इन सब का सम 4 है ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देना, वन को उधर लेके चले जाओ और स्क्वायर कर दो, नहीं आ रहा सर? फिर वो टू ए बी की टर्म अंडर रूट में आती है, दो बार करना है, एक अंडर रूट को भी उधर भेज दो, ठीक है? हाँ, समझा सर। अब करो, अब आ जाएगा, एक बार करना, फिर और एक बार करना है। 19, 20, ये 19 के क्वेश्चन देख लो कितने आसान है, कुछ ऐसा लगा क्या अलग कुछ है उसमें? वो 15 वाला क्वेश्चन देखो, एक सेकेंड में बन जाएगा वो, तो फिर उसके बाद ये 16, आसान से है, चलो हटाओ, आगे बढ़ते हैं। अब ये स्ट्रेट लाइन अपना खत्म हो गया, अब उसके बाद आ जाते हैं सर्कल, सर्कल की मॉड्यूल, सर्कल, ठीक है, एक मिनट, कितना हुआ है अपना सर्कल में? एक्सरसाइज टू पार्ट वन के 10 क्वेश्चन पहले, 10 क्वेश्चन हुए है क्या? ठीक है, एक्सरसाइज 1 तो पूरा हो गया ना? हाँ, थोड़ा सा जल्दी जल्दी, पूरा आंसर नहीं बताऊंगा मैं, हिंट देते जाऊंगा, मतलब रिक्वायरमेंट हो गया अगर, हाँ जहां पर बताने की रिक्वायरमेंट है वहां पे तो पूरा बता दूंगा। ठीक है, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2,
पार्ट वन 10 हो गए थे ना, उसके बाद 11, 12, 13, 14, 14, 14 में देख लो, इफ थ्री सर्कल्स विच आर सच दैट देयर सेंटर्स आर नॉन कोलिनियर, देन एग्जैक्टली वन सर्कल एग्जिस्ट विच कट्स द थ्री सर्कल्स ऑर्थोगोनली, तो वो गलत है ना स्टेटमेंट. क्यों गलत है बताओ? मैंने उस टाइम पे भी बताया था कि यही एक सर्कल नहीं होता, और भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक सर्कल ये होता है जिस रेडिकल सेंटर को सेंटर मानता हुआ एंड लेंथ ऑफ टेंजेंट को रेडियस मानता हुआ जो सर्कल है वो तीनों के ऑर्थोगोनल होता है. ये एक सर्कल तो है, उसके अलावा भी और हो सकते हैं. ठीक है, ओके सर. और रेडिकल सेंटर ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स इज कॉमन कॉर्ड, इक्वेशन वाइज बोलना है तो रेडिकल एक्सिस एंड कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन सेम ही आता है ना, S1 - S2. ठीक है, केशवी का कौन सा है, 13 ना? ठीक है, 13 देख लो यहाँ पे, लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल टचिंग दिस इंटरनली एंड टेंजेंट ऑन विच फ्रॉम 1, 2 इज मेकिंग, तो 1, 2 इसका सेंटर है देखो, तो इसका जो सेंटर है वो है 1, 2 एंड इसकी जो रेडियस है वो है 1 + 4 + 4 अंडर रूट के अंदर में, दैट इज 3, तो वो उसकी रेडियस थी. तो ये बड़ा सर्कल, गिवन सर्कल जो है वो बड़ा है, फिर इसके अंदर एक सर्कल है जो इसको इंटरनली टच कर रहा है. ठीक है, और इसके ऊपर से सेंटर से दो क्या ड्रॉ किए गए हैं, टेंजेंट्स, एक ये वाला और एक ये वाला. कितना एंगल है इनके बीच का, 60 डिग्री. ठीक है, अब ये देखो यहां पे H, K इसका सेंटर, ये इसका 1, 2, ये एंगल यहाँ पे 30 डिग्री. ठीक है, इसकी रेडियस R, ठीक है, R है इसकी रेडियस मान लो, तो यहाँ पे साइन 30 इज इक्वल टू आ जाता है R अपॉन अंडर रूट H - 1 का स्क्वेयर प्लस K - 2 का स्क्वेयर. ठीक है, तो ये 1/2 होता है, तो R इज इक्वल टू यहाँ पे लिख देता हूं मैं, R इज इक्वल टू आ जाएगी R1 ले लो, चलो R1, क्योंकि R तो हमने इसकी रेडियस ली है ना, R1 इज इक्वल टू आ जाएगा ये साइन 30 1/2, तो 1/2 इंटू अंडर रूट H - 1 का स्क्वेयर प्लस K - 2 का स्क्वेयर, ये आ गया फर्स्ट. ठीक, अब उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, इंटरनली अगर टच कर रहे हैं तो सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है, ये सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है माइनस स्क्वेयर एंड K - 2 का स्क्वेयर, ये आ जाता है डिफरेंस बिटवीन रेडियस, तो 3 - R1 के इक्वल, तो यहां से एक R1 आ जाएगा. ठीक है, तो ये R1 की वैल्यू उसमें पुट कर दो फर्स्ट में, तो वहां से पूरा रिलेशन HNK के टर्म्स में. ठीक, फोर्टीन हो गया, 15 में डाउट है, सेंटर ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स कटिंग फैमिली ऑफ सर्कल्स ऑर्थोगोनली, इनको ऑर्थोगोनली कट कर रहा है. ठीक है, सेंटर ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स कटिंग द फैमिली ऑफ सर्कल्स दिस ऑर्थोगोनली लाइज ऑन, इनको ऑर्थोगोनली कट करने वाला सर्कल एक मिनट यहां, ये जो है
ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनको ऑर्थोगोनली कट कर रहा है ना, तो g1 g2 2d1 g2 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 plus c2 से तो कुछ नहीं मिलेगा। वो तो है s1 plus lambda s2, उससे देखते क्या हो जाता है। ये x square फिर 4x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो वहां, तो वो आ जाएगा वहां पे -6x, फिर उसके बाद -4y, -12, एंड लैम्डा वाले को एक तरफ रखो, लैम्डा वाले को तो 4x प्लस 3y -6 इज इक्वल टू 0। तो ये फैमिली कौन सी है, इसमें सर्कल S1 है, ठीक है, लाइन सर्कल S1 है, x square plus y square minus 6, सर्कल S, सॉरी -6x - 4y - 12 = 0, ठीक है, ये सर्कल है और लाइन कौन सी है, 4x + 3y - 6 = 0, ठीक, ये लाइन है। इसके बाद सेंटर ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स, कटिंग द फैमिली ऑफ सर्कल्स ऑर्थोगोनली लाइज ऑन, तो इनको ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, एक मिनट, ऑर्थोगोनली कट करना, कुछ तो गड़बड़ हो रही ना यहाँ, वो तो लाइन मिल गया और वही आंसर दिया इन्होंने, ऐसा क्यों हुआ है, सर? हाँ सर, इसमें वो कॉन्जुगेट फैमिली क्या होती है, वो उसका कुछ तो कंसेप्ट है। कॉन्जुगेट फैमिली सर्कल ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स, कटिंग द फैमिली ऑफ सर्कल्स ऑर्थोगोनली लाइज ऑन, ये s1 plus lambda s2 हो गया। ऑर्थोगोनलिटी में कौन सा ऐसा पॉइंट देखा था हमने, चलो इसको लास्ट में देखते हैं हम, उसके बाद 16 डाउट है, 16 इसमें सर्कल x square plus y square is equal to 4. Cuts the circle this in AB. Then equation of circle on AB as diameter. अबे ये तो बन जाना चाहिए यार। क्या पूछ रहे तुम? आसान सी चीज है ये। ये है, ठीक है? दोनों एक दूसरे को कट करते हैं AB पे। तो AB का इक्वेशन आ सकता है S1 minus S2 is equal to 0 से। ये S1, ये S2, इससे इक्वेशन आ जाएगा। फिर उसके बाद AB को डायमीटर मानता हुआ सर्कल, ठीक है, AB को डायमीटर मानता हुआ सर्कल, पहले AB से पास होने वाले सर्कल्स लिख लेते हैं हम, AB से पास होने वाले, A एंड B पॉइंट से पास होने वाले सर्कल्स, वो एक तरीके से क्या है, इसमें हम एक S1 सर्कल एंड ये AB लाइन ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको एक फैमिली लिख सकते हैं हम S1 एंड लाइन के टर्म्स में, लाइन AB के टर्म्स में। मान लो ये L लाइन आ रहा है, इसका इक्वेशन L आ रहा है S1 minus S2 से, तो AB से पास होने वाले सर्कल्स की फैमिली वो आ जाएगी S1 plus lambda L। अब यहां से जो इसका सेंटर आता है lambda के टर्म्स में आएगा, वो AB के ऊपर लाई करेगा, क्योंकि AB उसकी क्या है, डायमीटर है, वहां से lambda मिलेगा और इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है? यस सर।
एक मिनट आ, हाँ नेक्स्ट अब पार्ट टू फर्स्ट डाउट डाउट है क्या? तो पार्ट टू का फर्स्ट एक अलग तरीके का कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना इसको। तो इसमें बोला गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स लाइंग हैविंग इंटीजर कोऑर्डिनेट्स विच कैन लाई ऑन द सर्कल विथ सेंटर। ठीक है, तो हम सर्कल का इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू रूट टू एक्स माइनस टू रूट थ्री वाई। कॉन्स्टेंट टर्म अभी हमें पता नहीं है, सेंटर पता थे तो हमने ये लिख दिया, कॉन्स्टेंट टर्म को मान लेते हैं सी। अब उसके बाद मान लो एक पॉइंट लाई कर रहा है एक्स वन कॉमा वाई वन, एक पॉइंट है जिसमें एक्स वन वाई वन दोनों के दोनों इंटीजर है, ठीक है, एंड दूसरा पॉइंट है एक्स टू कॉमा वाई टू, ये भी दोनों के दोनों इंटीजर है, ऐसा हम एज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक। एक पॉइंट है x1 y1 जहां पे ये दोनों के दोनों इंटीजर है और सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, एंड दूसरा पॉइंट है x2 y2 दोनों के दोनों इंटीजर है वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। तो यहां से हमें मिलेगा x1 square plus y1 square minus 2 root 2 x1 minus 2 root 3 y1 plus c is equal to 0, एंड फिर उसके बाद x2 square प्लस वाई टू स्क्वेयर माइनस टू रूट टू एक्स टू माइनस टू रूट थ्री वाई टू प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, जब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिलेगा एक्स वन स्क्वेयर माइनस एक्स टू स्क्वेयर, फिर उसके बाद वाई वन स्क्वेयर माइनस वाई टू स्क्वेयर, एंड फिर ये जब करेंगे तो माइनस टू रूट टू बाहर आ जाएगा, ये एक्स वन माइनस एक्स टू माइनस टू रूट थ्री बाहर आ जाएगा, वाई वन माइनस वाई टू इज इक्वल टू जीरो। तो इन दोनों को अब एक साथ ले लेते हैं और इन दोनों को एक साथ, इसके फैक्टर्स एक्स वन माइनस एक्स टू इंटू एक्स वन प्लस एक्स टू, पूरे में से कॉमन आ जाएगा एक्स वन माइनस एक्स टू और अंदर में बचा रहेगा एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस टू रूट टू, ठीक है। फिर उसके बाद यहां से वाई वन माइनस वाई टू बाहर आएगा, ये वाई वन प्लस वाई टू माइनस टू रूट थ्री, ये जीरो आ रहा है। अब ये जीरो हो सकता है क्या, बताओ, ये वाला फैक्टर बताओ, ये एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस टू रूट टू जीरो हो सकता है क्या? नहीं, हो सकता, क्योंकि एक्स वन एक्स टू कैसे इंटीजर है, तो ये एक्स वन प्लस एक्स टू भी इंटीजर आएगा, इंटीजर माइनस ये इरेशनल, जीरो तो कभी होगा नहीं, ये भी जीरो हो नहीं सकता है, लेकिन ये दोनों का सम जीरो आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एक्स माइनस x1 माइनस x2 को जीरो होना पड़ेगा एंड y1 माइनस y2 को भी जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से हमें मिलेगा x1 is equal to x2 एंड y1 is equal to y2। तो ये दो पॉइंट नहीं है, अगर हमने ऐसा कुछ एज्यूम किया था कि x1 y1 एक पॉइंट है जिसमें x1 y1 इंटीजर एंड दूसरा पॉइंट x2 y2 जो भी यहां पे x2 y2 इंटीजर, तो लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें फाइनली मिल गया x1 is equal to x2 and y1 is equal to y2 है। तो एक तरीके से ये एक ही पॉइंट है, एक तरीके से देखा जाए ये एक ही पॉइंट है, इसका मतलब यहाँ पे एक ही पॉइंट बस एग्जिस्ट करेगा जिसमें दोनों कोऑर्डिनेट्स उसके क्या होंगे, इंटीजर होंगे, वो भी मैं बता देता हूँ वो पॉइंट कौन सा होगा, तो वो जीरो जीरो होगा एंड इसमें फिर सी क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, और सर्कल कौन सा होगा, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू रूट टू एक्स माइनस टू रूट थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ये वो सर्कल होगा एंड इसके ऊपर लाई करने वाला एक इंटीजर पॉइंट है जीरो जीरो, इसके अलावा अगर हमने सी की कोई वैल्यू ले ली तो इसके ऊपर लाई करने वाला हमें कोई इंटीजर पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके सर, क्लियर है। क्योंकि अगर हमने सी की कुछ वैल्यू ले ली, मान लो वन, और एक्स एन वाई इंटीजर है, तो ये देखो ये टू रूट टू का मल्टीपल आएगा और ये टू रूट थ्री का मल्टीपल आएगा। हाँ बाकी के भी हो सकते हैं वैसे,
अच्छा नहीं 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 हो सकते, गलत हो जाएगा। अगर सी की वैल्यू हमने कुछ और ले ली तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आएगा। तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम की बात करनी थी, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स। अलग था ये थोड़ा, ठीक है। सेकेंड सेकेंड फाइंड द सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल, स्मॉलेस्ट सर्कल टचिंग द सर्कल्स। तो ये को देखो, जो पहला पहला सर्कल है उसका सेंटर, अच्छा ये दोनों सर्कल, कैसे इसका पहले वाले का सेंटर जो है एंड रेडियस 2 है, एंड सी टू दूसरे वाले का जो सेंटर है एंड रेडियस 16 प्लस 81, तो ये 17, तो ये भी 2 आ जाता है, इक्वल रेडियस के है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सर्कल्स आएंगे डायग्राम उनकी इस तरीके से होगी, ठीक है। अब इन दोनों को कैसे टच कर रहा है, वो इन दोनों को टच कर रहा है, ठीक है। एंड उस स्मॉलेस्ट सर्कल है ऐसा, तो डायग्राम से देख के हमें क्या लग रहा है कि ये C1 है, ये C2 है, दोनों को टच कर रहा है और ऐसा स्मॉलेस्ट सर्कल बस यही आता है जिसमें C1 C2 का जो मतलब वो है उसके डायमीटर से यही आ जाए, उसके सेंटर से ही पास करे। उसके अलावा जितने भी लोग है ना तुम, वो क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, स्मॉलेस्ट नहीं रहेंगे। जिसमें C1 C2 को ज्वाइन करने वाली लाइन ही इसका क्या आ जाए, डायमीटर आ जाए, वही एक सर्कल क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा। इसके अलावा अगर हम कोई सर्कल लेते हैं तो उसमें ये लाइन उसकी क्या रहेगी, कॉर्ड। अगर ये पोर्शन मतलब ये इतना पोर्शन, ये इतना पोर्शन उसका रहेगा कॉर्ड। अगर इसके अलावा कुछ लेते हैं तो ये अगर पोर्शन कॉर्ड है तो उसकी डायमीटर तो ऑब्वियसली उससे बड़ी आएगी, और हमें यहाँ पे बोला गया है स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, जब ये वाला पोर्शन C1 C2 लाइन का ये वाला पोर्शन उसकी डायमीटर हो जाए, वही सर्कल कैसा होगा, स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे देख लो, ये दोनों की रेडियस सेम है, ये 0.1 है एंड ये 4.9 है, ये 2 ये 2, ये R ये R, इसका मतलब ये जो सेंटर होगा C1 C2 का मिड पॉइंट आएगा, तो ये 2.5, क्लियर है। थर्ड डाउट, थर्ड में बोला गया है अ लाइन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ए एंड बी, अ सर्कल इज सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट द ट्रायंगल OAB, ठीक है, ये ए बी है, सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट द ट्रायंगल OAB इफ D1 D2, मतलब ये ए बी उसकी क्या रहेगी अब यहाँ पे डायमीटर, ये ऐसा सर्कल है, ठीक है। फिर उसके बाद इफ D1 D2 आर द डिस्टेंसेस ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एट ओरिजिन फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, अच्छा मतलब सर्कल के ऊपर सेंटर पे जो टेंजेंट आता है, ये सेंटर बोल रहा हूं मैं, 0-0 पे, 0-0 पे जो टेंजेंट आता है, ठीक है, वो ये वाला टेंजेंट है। तो ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उनकी जो लेंथ है, ये देख लो, एक है D1
एंड दूसरी है डी टू, ठीक है। तो इस सर्कल का इक्वेशन देखो हम लिख सकते हैं, ये यहाँ पे मान लो है अल्फा कॉमा जीरो और ये बी पॉइंट है जीरो कॉमा बीटा। तो सर्कल का जो इक्वेशन है एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस वाई इंटू वाई माइनस बीटा, ये सर्कल का इक्वेशन आएगा क्योंकि ए बी उसकी अब डायमीटर रहेगी, ए बी उसकी डायमीटर रहेगी। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ओरिजिन पे जो टेंजेंट है उसका इक्वेशन हम लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट जीरो जीरो। तो उसका इक्वेशन देख लो कितना आ जाएगा, ये अल्फा, ये तो जीरो इंटू एक्स जीरो इंटू वाई माइनस अल्फा इंटू एक्स प्लस जीरो अपॉन टू माइनस बीटा इंटू वाई प्लस जीरो अपॉन टू। तो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहां से ये अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू जीरो, ये वो टेंजेंट का इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो ये जो डी वन डिस्टेंस है तो ये देख लो डी वन डिस्टेंस कितना आएगा, अल्फा स्क्वेयर अपॉन, ये है ना अल्फा स्क्वेयर कौन अंडर रूट अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर, ठीक है। एंड ये जो डी टू डिस्टेंस है, एक मिनट यही आ रहा है ना, ये डी वन डिस्टेंस अल्फा कॉमा इनटू अल्फा कॉमा जीरो होना चाहिए क्या, पॉइंट कौन सा पॉइंट ए टू अल्फा, टू अल्फा क्यों, टू अल्फा क्यों है यहाँ पे, ये डायमेट्रिकली एंड पॉइंट्स है ना। तो ये अल्फा कॉमा जीरो और ये जीरो कॉमा बीटा ले लिया मैंने, तो सर्कल का इक्वेशन तो ये आ गया। उसके बाद जीरो जीरो पे सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट है वो ये आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है, आने दो। ये D1 आ गया, D2 is equal to कितना हो जाएगा, बीटा स्क्वेयर अंडर रूट अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर, ठीक है। और इसकी जो रेडियस है, रेडियस क्या आएगी, अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर अपॉन टू। तो डायमीटर हो जाएगी, डायमीटर हो जाएगी यहाँ पे अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हमें बोला गया डायमीटर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, लैम्डा वन इंटू डी वन, मतलब इसको ऐसे, ये अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, लैम्डा वन इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, लैम्डा टू इंटू बीटा स्क्वायर अंडर रूट बी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहां से लैम्डा वन भी वन होना चाहिए, लैम्डा टू भी वन होना चाहिए, तभी जाके ये इक्वल आ पाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो यहां से लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू कितना आ गया, टू, ठीक है। हाँ सर। और ऐसे कंडीशन में जनरल जनरल से ही जा सकते हैं हम, ठीक है, स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं, स्पेशल केस। इसमें ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स मान के चल लो तुम, A के कोऑर्डिनेट्स 1,0, B के 0,1, तब भी आंसर आ जाएगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 की यही वैल्यू मिलेगी। या तो तुम 2,0 0,2 भी ले सकते हो, अल्फा कॉमा बीटा एंड 0 का अल्फा कॉमा 0 एंड 0 कॉमा बीटा की जगह पे। फिर उसके बाद फोर्थ डाउट, फोर्थ में देख लो सर्कल इज four side into rhombus ABCD with one angle 60 degree. The distance from the center of the circle to the nearest vertex is 1.
पहले तो ये बताओ रोम्बस में अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। अब ये बताओ जब एंगल बढ़े, मान लो ये रोम्बस की एक डायमीटर है, ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री है और ये सेम डायमीटर और ये एंगल है 120 डिग्री, तो कौन सा वर्टेक्स नियरेस्ट रहेगा, 60 वाला या 120 वाला? 120 वाला है ना, डायग्राम में दिख रहा 120 वाला फिर नियरेस्ट रहेगा, तो ये 120 क्यों लिखा, क्योंकि दो एंगल 60-60 के होंगे और दो एंगल 120-120 के, और ये रोम्बस ये वाला ले लेंगे हम, ठीक है, क्योंकि एनी रोम्बस बोला, ऐसा कुछ स्पेसिफाई करके नहीं दिया गया कि रोम्बस कहाँ पे लाई कर रहा है, तो हम यहाँ पे ये वाला रोम्बस ले लेंगे, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिसके डायमीटर्स है, ठीक है। अब ये चारों साइड्स को टच कर रहा है ये सर्कल, ये सर्कल चारों साइड्स को टच कर रहा है, ये एंगल अगर हमने 60 ले लिया तो ये वाला वर्टेक्स हमें 1 लेना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट 1,0, क्योंकि ये एंगल 120 आएगा और वही क्लोजेस्ट नियरेस्ट रहेगा सेंटर के, ठीक है, और ये फिर हो जाएगा -1,0, ये वाला देखो ये एंगल, ये पूरा 120 तो ये 60, ये वाला डिस्टेंस 1 है तो ये डिस्टेंस आ जाएगा √3, तो ये 0,√3 एंड ये 0,-√3, तो एक तरीके से देखा जाए हमें इसके चारों वर्टाइसेस मिल गए। हम एक स्पेशल केस लेकर चल रहे हैं जिसमें हम क्या ले रहे हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को इसके डायगोनल्स, इसके डायगोनल्स ले रहे हैं, और इसके बाद इफ P इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, P सर्कल के ऊपर कोई भी एक पॉइंट है तो वो भी हम एक पॉइंट कौन सा ले लेंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर ही ले लेंगे, और यहाँ पे ये A B C D ये रोम्बस के वर्टाइसेस, हमने ये वाला पॉइंट ले लिया P, इसके कोऑर्डिनेट्स कौन बताएगा कितने आएंगे? चलो पहले सर्कल की रेडियस बताओ, ये 3.0, यहाँ पे इस ट्राइंगल में ये ओ एम ए, इन ट्राइंगल ओ एम ए साइन 60 डिग्री आ जाएगा ओ एम अपॉन 1, तो यहां से ओ एम इज इक्वल टू √3/2, तो इसकी रेडियस जो है सर्कल की रेडियस है √3/2, तो पी के कोऑर्डिनेट्स देख लो कितने आ जाएंगे, √3/2,0, एक स्पेशल केस लेकर चल रहे हैं, पी पॉइंट को हमने एक्स एक्सिस के ऊपर ले लिया, और पी ए डिस्टेंस, पी बी डिस्टेंस, पी सी एंड पी डी निकाल सकते हैं, उसमें पुट कर देना, ठीक है, यस सर। फिफ्थ, सिक्स्थ, डाउट, सिक्स्थ में सर्कल के अंदर का पोर्शन ये दिया है ना, तो ये रिप्रेजेंट करता है सर्कल के ऊपर या सर्कल के अंदर लाई करने वाला रीजन, और ये तो ये देख लो यहां पे ऊपर नीचे की बात करनी है तो वो कैसे डिसाइड करते हैं हम, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन बी, ये अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आता है तो लाइन के ऊपर, अगर लेस देन जीरो आता है तो लाइन के नीचे। अब यहाँ पे बी देखो कितना है, -1 है, तो ये रेशियो कितना आएगा, निगेटिव आएगा, तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए, इस लाइन के नीचे लाई करने वाला पोर्शन चाहिए, क्लियर है ना, अगर ये होता है तो लाइन के ऊपर एंड अगर ये होता है तो लाइन के नीचे, तो ये x माइनस वाई प्लस सी हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो गिवन है, उससे तो हम डायरेक्टली रीजन नहीं बता सकते लाइन के ऊपर वाला या नीचे वाला, डिवाइड में क्या होना चाहिए, b भी होना चाहिए, और यहाँ पे b मीन्स y का कोएफिशिएंट, तो वो है -1, ठीक है, तो लाइन के नीचे एंड सर्कल के अंदर, तो ये सर्कल देख लो अब यहाँ पे इसका सेंटर -1,0, ये वो सर्कल आता है,
माइनस वन कॉमा जीरो जिसका सेंटर है और उसके अंदर मतलब ये वाला रीजन आएगा सर्कल के ऊपर का है सर्कल के अंदर वाला पूरा ये पूरा रीजन आएगा ये मतलब इनइक्वालिटी मींस। एंड फिर अब दूसरी इनइक्वालिटी कंटेन्स ओनली वन पॉइंट कॉमन पॉइंट तो इसका मतलब ये जो लाइन है इसको क्या करनी चाहिए टच और ऊपर से टच नहीं करनी चाहिए नीचे से क्योंकि अगर ऊपर से टच करवाएंगे ये इनइक्वालिटी क्या बोलती है लाइन के नीचे लाई करने वाला रीजन लाइन के नीचे लाई करने वाला रीजन तो ये पूरा रीजन ही आ जाएगा तो उसमें तो हमें ये पहली इनइक्वालिटी एंड दूसरी इनइक्वालिटी का जो कॉमन है क्योंकि बीच में इंटरसेक्शन है देखो उसमें सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट्स है वो सारे के सारे हमें मिल जाएंगे अगर हमने लाइन को ऊपर ले लिया तो क्योंकि ये जो इनइक्वालिटी ये कहती है लाइन के नीचे लाई करने वाला रीजन चाहिए तो वो टेंजेंट कौन से साइड से होना चाहिए इधर वाले साइड से टेंजेंट होना चाहिए तो ये x माइनस वाई प्लस सी तभी जाके ये वाला एक ही पॉइंट कॉमन आएगा बाकी जितने भी पॉइंट होंगे सर्कल के ऊपर होंगे लाइन के नीचे होंगे तो कोई कॉमन नहीं आएगा इस अकेले इस एक पॉइंट के अलावा तो देख लो अब सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल वहां से सी आ जाएगा ठीक है हाँ सर तो ऊपर वाला टेंजेंट लेते हैं तो उसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स आ जाते हैं दोनों में कॉमन हमें तो लेकिन एक ही दिखाना है तो वो टेंजेंट कौन सा होगा नीचे वाला क्योंकि ये जो लाइन लीनियर वाली इनइक्वालिटी है ये इंडिकेट करती है कि लाइन के नीचे लाई करने वाला रीजन सेवन एट नाइन डाउट कौन सा नाइन्थ टू सर्कल्स हुज रेडियस 4 एंड 8 इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स देन लेंथ ऑफ देयर इंटरसेक्ट एट राइट एंगल इसका मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है ऑर्थोगोनल है ऑर्थोगोनल होते तो एक जो टेंजेंट होता है एक के ऊपर टेंजेंट दूसरे के सेंटर से पास करता है एंड इसके ऊपर जो टेंजेंट आएगा वो इसके सेंटर से पास करेगा ठीक है और ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री रहेगा ये लेंथ यहाँ पे 4 और ये 8 रहेगी क्योंकि एक की रेडियस 4 और एक की 8 है अब उसमें हमें कॉमन कॉर्ड की क्या चाहिए लेंथ चाहिए थी तो कॉमन कॉर्ड की लेंथ देखो ये कॉर्ड है बाइसेक्ट हो रहा है ये 90 डिग्री है ये 4 है ठीक है ये यहाँ पे 90 तो ये एंगल थीटा मान लो तो टेन थीटा इस ट्राइंगल ये सी वन सी टू ए इन ट्राइंगल सी वन ए सी टू टेन थीटा जो है वो आ जाएगा 8/4 दैट इज टेन थीटा 2 आ जाएगा लेकिन इन ट्राइंगल अब कौन सा ए एम इन ट्राइंगल ए एम सी वन हमें क्या चाहिए होगा साइन थीटा साइन थीटा आ जाएगा ए एम अपॉन सी वन ए तो ए एम तो कितना निकालना है सी वन ए कितना है 4 है और टेन थीटा अगर 2 है तो साइन थीटा कितना आ जाएगा ये थीटा ये 2 1 ये रूट 5 तो ये आ जाएगा 2/√5 तो यहाँ से ए एम इज इक्वल टू आ जाएगा 8/√5 तो ए एम 8/√5 हो गया तो लेंथ ऑफ कॉर्ड कितनी हो जाएगी उसका 2 टाइम्स तो 16/√5 क्लियर है यस सर ये ध्यान रखना जो है ना टेंजेंट होते दूसरे के सेंटर से पास करता है तो बहुत हेल्प करेगा ये पॉइंट टेंथ इलेवन ट्वेल्व थर्टीन और स्ट्रेट लाइन से तो कम ही हार्ड है ये इतने भी ज्यादा हार्ड नहीं है ये देखो दो दो तीन तीन चार चार मतलब ज्यादा बड़ा तो सॉल्यूशन जा ही नहीं रहा है किसी इसका अगर तुम वहां पे प्रॉपरली सोचोगे तो बड़ा सॉल्यूशन किसी का नहीं जाएगा 11 12 13 14 14 circumference ऑफ सर्कल दिस इज बाइसेक्टेड बाय सर्कल दिस
ठीक है, ये देखो एक गिवन सर्कल है, दूसरा सर्कल उसका सर्कमफेरेंस क्या कर रहा है, बाइसेक्ट, मतलब वो एक तरीके से यहां से पास कर रहा है, ये पहला सर्कल। ठीक है, दूसरा सर्कल, ये एस वन, ये एस टू, तो एस वन माइनस एस टू से ही तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा, ये कॉमन कॉर्ड है दोनों का ए बी, तो एस वन माइनस एस टू जब कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है यहाँ पे 4xp है। ठीक है, सेकंड में तो ये -6x, फिर उसके बाद -4y, -q -p इज इक्वल टू 0, ये AB का इक्वेशन। अब AB क्या है, इस सर्कल की डायमीटर, क्योंकि इसी का सर्कमफेरेंस बाइसेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो सेंटर है 1, -4, वो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो यहां से देख लो P प्लस क्यू कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, हाँ सर, 15। डाउट है। 15 में है, सर्कल टचेस द लाइन दिस एट पॉइंट P सच दैट OP डिस्टेंस 4√2, तो P के कोऑर्डिनेट्स तो हम बता सकते हैं। द सर्कल कंटेन्स -10.2 इन इट्स इंटीरियर, इसका मतलब वो सर्कल इधर लाई कर रहा होगा। लेंथ ऑफ इट्स कॉर्ड ऑन, ठीक है, तो ये ऐसा कुछ होगा, अभी एग्जैक्टली पता नहीं है, कुछ ऐसे डायग्राम हम बना लेते हैं, ऐसा कुछ होगा। तो इसमें ये जो वाई इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन है एंड वाई इज इक्वल टू -x वाली लाइन, इसका कॉर्ड है, ये पी पॉइंट पे है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -4, -4, क्योंकि ओपी डिस्टेंस कितना है, 4√2 है, इसके सेंटर का अब हमें लोकस चाहिए। अच्छा, तो ये जी प्लस एफ प्लस सी चाहिए था, तो इसका जो सेंटर है वो -g - f है। ठीक है, -g - f, और उसके ऊपर देखो कितने लेंथ का कॉर्ड, सब 10 हो रहा है, ये 6√2। तो हम यहाँ पे जी और एफ तो इजीली निकाल ही सकते हैं, क्योंकि सेंटर का इस लाइन के ऊपर जो ये आता है फुट, वो -4 -4 है। ठीक है, तो इजीली हमें मिल ही जाएंगे जी एंड एफ, क्लियर है। एक चीज देखो, चलो जी एन एफ की अभी डायरेक्टली ये भी नहीं चाहिए, तो हमें हमें क्या चाहिए, इस लाइन का इक्वेशन हम लिख सकते हैं क्या, इसके परपेंडिकुलर एक्स प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0 से, सॉरी 8, ये लाइन टेंजेंट के परपेंडिकुलर लिख सकते हैं ना। हाँ सर, अब ये सेंटर इसी के ऊपर लाई करेगा, तो -g - f +8 इज इक्वल टू 0, तो g + f इज इक्वल टू कितना, 8, तो ये तो हमें मिल गया। अब उसके बाद -4, -4 सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, तो वो सर्कल के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई, तो वहां से 16 + 16 - 8 g + f + c इज इक्वल टू 0, तो ये 32 - 64 + c 0, तो c 32, तो ये देख लो g + f, ये 40/10, तो 4 आ गया।
किसी और तरीके से भी किया जा सकता है। एक तो क्या तरीका हो सकता है, जी एन एफ निकालने का, माइनस जी कोमा माइनस एफ का वाई इज इक्वल टू एक्स के ऊपर जो फुट है वो माइनस फोर है, तो वहां से जी एन एफ की वैल्यू आ जाती है वो फुट वाला फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, कोई डाउट इसमें? थर्ड पार्ट थ्री, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, थर्ड, ओके थर्ड, एक मिनट। थर्ड में क्या बोला गया है, सर्कल पासिंग थ्रू 0 0 1 0 एंड टचिंग सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दिस, तो 0 0 एंड 1 0 से पास होने वाली फैमिली हम लिख सकते हैं। एक मिनट, यहां पे लाइट, ठीक है, तो यहां हम क्या लिखेंगे अब, 0 0 एंड 1 0 से पास होने वाले सर्कल की फैमिली लिख लेते हैं। ठीक है, वो फैमिली लिख लेते हैं, तो फैमिली आ जाएगी, इसको क्या मानेंगे अब, डायमेट्रिकली एंड पॉइंट, तो वो फैमिली x इंटू एक्स माइनस वन प्लस वाई स्क्वेयर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू जीरो, तो फैमिली हमें मिल गई। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस लैम्डा वाई जीरो, अब ये जो फैमिली है इसको टच कर रही है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू नाइन को टच कर रही है। ठीक है, तो टच कैसे करेगी, सर्कल तो ऐसे आएंगे और ये वाला सर्कल तो इंटरनली ही टच कर रहा होगा, क्योंकि ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू नाइन वाला सर्कल ये रहेगा, एंड हमें सर्कल कौन सा चाहिए जो 0 0 एंड 1 0 से पास कर रहा है, तो जो भी सर्कल आएगा इस फैमिली में वो इसको इंटरनली ही टच करेगा, अगर टच करवाना है तो इंटरनली ही कर पाएगा, एक्सटर्नली तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसकी वजह से इसका जो सेंटर है 1 कॉमा लैम्डा 1 बाय 2 कॉमा लैम्डा बाय 2 एंड इसका 0 0, ठीक है, एंड रेडियस इसकी 3 और इसकी रेडियस 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 एंड इसकी रेडियस 3, इंटरनली टच कर रहे तो अंडर रूट 1 बाय 4, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे, लैम्डा स्क्वायर बाय 4, ठीक है, इज इक्वल टू आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर बाय 2, तो यहां से हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, हाँ सर, नेक्स्ट फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, डाउट सेवन, इफ ए कॉमा जीरो इज पॉइंट ऑन द डायमीटर ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल, ए कॉमा जीरो इज पॉइंट ऑन द डायमीटर सेगमेंट ऑफ सर्कल, देन तो ये देख लो डायमीटर सेगमेंट कौन सा आएगा इसका, यही वाला रहेगा, वो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है, डायमीटर सेगमेंट उसका ये रहेगा, तो वो ए कॉमा जीरो, तो ए कहां से कहां वैरी करेगा, माइनस टू 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 वैरी करेगा ए, ठीक है, ए क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स माइनस टू कॉमा जीरो, इसके कोऑर्डिनेट्स 2, 0 और ये डायमीटर सेगमेंट के ऊपर लाई कर रहा है, तो माइनस टू टू टू। अब उसके रूट्स देख लो, ये जो इक्वेशन है इसमें एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, पहले इसका डी चेक कर लेते हैं, 16 प्लस
फोर ए स्क्वायर, रूट्स तो रियल आएंगे, ठीक है, रूट्स तो रियल आएंगे। अब उसके बाद अब ऑप्शन से जाना पड़ेगा, एग्जैक्टली वन रियल रूट इन दिस। तो इसमें एफ ऑफ जीरो की वैल्यू देख लो, पैराबोला तो ये अपवर्ड आएगा, ठीक है, जीरो पे वैल्यू कैसी आएगी, निगेटिव, एंड माइनस वन पे वैल्यू देख लो, माइनस वन पे वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एंड वन पे भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है। ऑप्शन को देखते हुए मैं लिख रहा हूं ऑप्शन, एक मिनट, वन पे वैल्यू पॉजिटिव नहीं है, माइनस वन पे तो पॉजिटिव है, ठीक है, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस वन पे ये वन, ये प्लस फोर, और ये ए स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू, ए स्क्वायर लाई कर रहा है जीरो टू फोर के बीच में, अगर हम ए स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू भी ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा वो, फोर, तो उस केस में भी वन आ जाता है, तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। उसके बाद जो टू पे वैल्यू निकालते हैं, तो टू पे वैल्यू इसकी देख लो, फोर माइनस एट, तो टू पे वैल्यू निगेटिव आएगी, एंड बाद में फाइव पे वैल्यू पॉजिटिव, तो इस तरीके से है वो, ठीक है। हाँ सर, क्लियर है ना। यस सर। नाइन, टेन, टेन, टेन देख लो, टेन में हमें बोला गया है कंसीडर टू सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ठीक है, एंड दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू। Let A 1,0 be the fixed point on the circle C1 and B be the any variable point on C2. Line BA meets curve C2 again at C. ठीक है, तो देख लो यहाँ पे ये C1 circle. ये O, ये A, ठीक है. उसके बाद क्या है? P is any point on C2 cuts again at C. B is any point on C2 and line BA cuts. तो ये देख लो यहाँ पे लाइन BA की मिनिमम लेंथ, मिनिमम लेंथ की अगर हमें लाइन बनानी है BA, अगर BA लाइन हमें मिनिमम लेंथ की बनानी है, या तो ये ऐसे देखो तुम, इसको करने का एक जनरल तरीका क्या है, बी के कोऑर्डिनेट्स हम ले लेंगे रूट टू साइन थीटा कॉमा रूट टू कॉस थीटा, ठीक है, फिर ये बी ए का इक्वेशन लिखेंगे, उसको सर्कल एक्सटेंड करेंगे, इस सर्कल के साथ सॉल्व कर लेंगे, तो वहां से क्या आ जाएगा, वो जो पॉइंट सी है उसके कोऑर्डिनेट्स भी हमें मिल जाते हैं इसके टर्म्स में, तो थीटा के टर्म्स में मिल जाते हैं, तो एक जनरल तरीका हो गया। लेकिन अगर हम डायग्राम से जाएंगे, हमें क्या चाहिए था, वो OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की रेंज चाहिए थी, तो ये देखो वो मिनिमम आता है कब, जब हम BA लाइन को ये ले लेते हैं, BA लाइन को हम अगर ये ले लेंगे तो उस केस में वो मिनिमम आ जाएगा। डायग्राम से देख लो, B को अगर इसके अलावा और कहीं पे हमने लिया तो OA स्क्वायर तो फिक्स रहेगा 1, फिर उसके बाद OB स्क्वायर, अगर यहाँ पे ये 1 हो गया तो ये भी 1, तो OB स्क्वायर आ जाएगा 2, एंड फिर उसके बाद ये C कितना आ जाएगा 1, -1, तो ये भी आ जाएगा यहाँ पे 2, लेकिन यहाँ पे BC स्क्वायर बोला गया, सॉरी BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, तो मिनिमम जो वैल्यू है वो 7 आएगी, मिनिमम वैल्यू 7 आएगी, एंड मैक्सिमम वैल्यू अब हमें कब मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू जब हम B को यहाँ पे लेंगे, A यहाँ होगा और फिर C यहाँ पे आएगा, क्योंकि BA लाइन को एक्सटेंड करने पे वो C2 को अगेन कहाँ पे कट कर रहे हैं, C पे, तो यहाँ पे देख लो OA कितना है 1, OB कितना है रूट 2, एंड फिर उसके बाद OC BC डिस्टेंस, तो ये रूट 2, ये रूट 2, तो 2 रूट 2, तो 8, तो यहाँ से वो 11,
तो इसकी मिनिमम वैल्यू 7 एंड मैक्सिमम वैल्यू 11 आ जाएगी, ठीक है। एंड उसके बाद हमें क्या बोला गया है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, उसमें तो फिर इसी से जाना है, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या ले लेने हैं, रूट टू कॉस थीटा एंड रूट टू साइन थीटा, फिर उसके बाद एच कॉमा के उसका मिड पॉइंट, वहां से उसका लोकस, वो एक सर्कल आता है एंड आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, क्लियर है क्या? हाँ सर। डायग्राम से था ये, वैसे अगर जनरल तरीके से करना है तो अभी तुम कर सकते हो, बी के कोऑर्डिनेट्स पैरामेट्रिक फॉर्म में कंसीडर कर लेना, उससे भी आंसर आ जाता है, थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन आएगा उससे भी, उससे मतलब सारी चीजें मिल जाएगी, वो मिड पॉइंट का करना है तो वो भी हमें आइडिया लग जाएगी कि बी पैरामीटर थीटा ले लिया, ए फिक्स्ड है तो बी ए का मिड पॉइंट एच कॉमा के, वहां से आगे करेंगे। 11, 12, 13, 14, 13 देख लो, एक अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर मान लो कोई सर्कल है, ठीक है, सर्कल है जिसका सेंटर x1, y1 है, सेंटर x1, y1 एंड रेडियस r है, सेंटर x1, y1 एंड रेडियस r है, एंड कोई टेंजेंट है लाइन, मान लो lx + my + n = 0, ये इसका क्या है, टेंजेंट है, तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल आएगा, तो वो डिस्टेंस उसको देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, lx1 + my1 + n / √l² + m² = r, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, ठीक है। तो सेम चीज अब हमें यहाँ पे इससे बनानी है, ये जो गिवन है ना उससे भी हमें, उसको भी हमें इस फॉर्म में लेके आना है, इस फॉर्म में, ताकि हम उससे डायरेक्टली बता सकते x1 क्या होगा सेंटर का x कोऑर्डिनेट, y1 क्या होगा सेंटर का y कोऑर्डिनेट, और इधर जो कांस्टेंट आता है उसकी रेडियस। तो देखो इसको कैसे करेंगे, ये 4l² हमें क्या चाहिए था, l² + m² चाहिए, तो उस -5m² को इधर भेज देंगे, ये 6l + 1 = 5m², अब हमने क्या किया दोनों तरफ 5l² को ऐड किया, तो ये 9l², ये 6l + 1 = 5 बाहर, l² + m², अब दोनों तरफ, ये किसका स्क्वायर आ जाता है, 3l + 1 का स्क्वायर, अब अंडर रूट ले लो, तो यहां से देखो तो सेंटर कितना आ रहा है 3,0 एंड रेडियस कितनी आ रही है √5, ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। मतलब उल्टा सोचा गया, हम तो अभी जनरली कैसे करते थे, लाइन है सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आएगा, अब उसी रिजल्ट के फॉर्म में हमें लाना है, वो जो गिवन चीज थी इसको, इसको इस रिजल्ट के फॉर्म में लाना है ताकि हम डायरेक्टली सेंटर और रेडियस बता सके। 14 डाउट है, इफ सर्कल दिस इंटरसेक्ट्स अनदर सर्कल C2 ऑफ रेडियस 5 इन सच ए मैनर दैट कॉमन कॉर्ड इज ऑफ मैक्सिमम लेंथ हैज अ स्लोप इक्वल टू 3/4 डायग्राम विजुअलाइज करना था, कॉमन कॉर्ड कैसी होनी चाहिए, मैक्सिमम लेंथ की होनी चाहिए, तो वो C1 की डायमीटर होगी, ठीक है, ये ऐसे सर्कल आएंगे वो C1 की डायमीटर आएगी, ठीक है। अब ये देखो, ये सेंटर था इसका, हमें क्या चाहिए था, वैसे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर, मैक्सिमम लेंथ है स्लोप 3/4, मतलब इसका स्लोप भी अब हमें पता है 3/4, ये सेंटर इसका h, k, ठीक है, सेंटर h, k है, उसके बाद ये कितना 4 और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 5, अब 5 बोल रहा हूँ, ये डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पे 3, और एक मिनट, बहुत सारी चीजें हमें पता है यहाँ पे,
ये जो सही रहेगा छोटे सर्कल का सेंटर में जीरो जीरो, ये डिस्टेंस यहाँ पे फोर रहेगा, ये फाइव रहेगा, तो ये आ जाएगा थ्री। ठीक है, इस लाइन का स्लोप कितना है, थ्री बाय फोर है। इस लाइन का स्लोप कितना आएगा फिर, माइनस फोर बाय थ्री आएगा। तो ये देखो टेन थीटा माइनस फोर बाय थ्री, तो यहाँ से कॉस थीटा आ जाएगा माइनस थ्री बाय फाइव एंड साइन थीटा आ जाएगा फोर बाय फाइव। तो इसमें हम लगाएंगे पैरामेट्रिक फॉर्म, क्योंकि अब इस लाइन के ऊपर हमें कितना डिस्टेंस जाना है, थ्री डिस्टेंस, कौन से पॉइंट से, जीरो जीरो से। तो वो देख लो, एक्स माइनस जीरो अपॉन कॉस थीटा, वाई माइनस जीरो अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री। ऊपर जा सकते या तो नीचे जा सकते हैं। तो यहाँ से x इज इक्वल टू ये कितना है थ्री, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस नाइन बाय फाइव या माइनस प्लस नाइन बाय फाइव आएगा। एंड y इज इक्वल टू प्लस माइनस ट्वेल्व बाय फाइव, तो दो कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्लियर है ये? हाँ सर। डायग्राम बहुत सारे क्वेश्चन डायग्राम से ही हो गए हैं, डायग्राम को इमेजिन करो थोड़ा सा और आंसर आ जाएगा। लेंथी तो बिल्कुल नहीं होंगे इसके क्वेश्चन, बहुत इजीली आंसर आने वाले होंगे। फिर उसके बाद 15, 16, कौन सा 15 आसान है, 15 तो मत पूछना, ऑप्शन से जाना है। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहे तो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस ये होना चाहिए, इसके बीच में है ना। हाँ सर, अभी हो जाएगा सर। फिर उसके बाद 16, 17, 18, 19, 20, 19, सर्कल दिस पासेस थ्रू टू फिक्स पॉइंट्स। अबे क्या पूछ लिया तुमने, ये देखो ये एक फैमिली आती है, उस थ्री के को लैम्डा से रिप्रेजेंट कर दो, तो एस प्लस लैम्डा एल वाली फैमिली है ना, या तो अभी रहने दो इसको, तो एस प्लस लैम्डा एल वाली फैमिली है, ये लैम्डा मान लेंगे इसको, तो ये किससे पास करती है, एस एंड एल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो एस कितना है एंड एल हो जाएगा सर, तो वाई जीरो तो एक्स निकाल लेना, 20 कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट सेकेंड पार्ट थ्री एक्सरसाइज थ्री किया है ना सर, कॉम्प्रिहेंशन का सिक्स ठीक है, एक्सरसाइज थ्री किया है क्या? नो सर। ठीक है, फिर इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, कॉम्प्रिहेंशन और सर्कल, ये एक्सरसाइज थ्री भी। ठीक है चलेगा सर। और सॉल्व कर लिया करना, ठीक है, मैथ्स में सिर्फ क्लास नोट्स और ये नहीं होता है, जो तुम होमवर्क में दूंगा उसको सॉल्व करके आओगे और जो डिस्कशन होगा उसका, उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि क्लास में सारी चीजें करवाना पॉसिबल नहीं होता है, तो कुछ डिस्कशन के लिए रह जाती है। हमें पता है कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है मॉड्यूल में, तो उसे उस वक्त बताना है, तो इसकी वजह से डिस्कशन भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही है।